हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग मैं नहा धो भी ली, सारा काम भी हो गया। क्यों? क्योंकि है ना, हमारी जो है मेड नहीं आ रही है कुछ दिनों से, हो गए 3-4 दिन हो गए। कल लोकेशन आए हुए थे तब भी वो नहीं आई थी, और आज भी नहीं आई और परसों भी नहीं आई थी, क्योंकि उसकी चल रही है तबीयत ख़राब। तो उसने बोला भाभी मैं आज भी सुबह फ़ोन आया, भाभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी आज। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं उसको कई दिनों से कह रही थी कि तू दिखा ले, क्योंकि आजकल वायरल और डेंगू बहुत चल रहा है, फीवर वीवर है तुझे, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ना हो जाए। आज फाइनली जा ही रही है वो डॉक्टर के पास, तो इसलिए मेरे को सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना था, डस्टिंग वगैरह सब कुछ सेटल कर दिया। अयान और उसके पापा भी उठ चुके हैं, वो लोग हैं नीचे। फिलहाल चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट क्या, लंच ब्रंच सब हो जाएगा, क्योंकि अमन की डिमांड आई है कि पराठे खाने हैं उन्हें। अयान कह रहा मम्मा रोल बनाओ, रैप बनाओ। मैंने कहा भाई आज नहीं, फिर कभी। उन इन लोगों को पता क्या, इनको तो कुछ नहीं लगता भाई, लेडीज़ के लिए तो संडे भी संडे नहीं होता। लेडीज़ के लिए तो हफ्ते के 7 दिन, सातों के 7 दिन काम करना ही करना होता है। हाँ, आदमियों का ये होता है कि भाई ये लोग, इन लोगों के लिए संडे होता है एक दिन, तो 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती कभी भी। तो फिलहाल जो है नीचे चलते हैं, नीचे चल के बनाते हैं अपना ब्रंच, और उसके बाद जाने वाले हैं कहीं और। वो कहाँ जाने वाले हैं आप देखते रहो, बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, और लेके भी चलेंगे आप लोगों को अपने साथ। तो चलो फिलहाल फटाफट से चलते हैं नीचे। तो गाइज़, आज ब्रेकफास्ट में है प्लेन पराठे जो मैं बना रही हूँ। अमन को ट्राइंगल शेप के पसंद है, इसलिए ट्राइंगल शेप में ही बना रही हूँ। और इधर आज मैंने बनाए हैं छोले। मैंने इन्हें कहा था छोले पूरी या छोले भटूरे बना देती हूँ, बट इन्होंने कहा नहीं, हमें तो प्लेन छोले ही खाने हैं। और ये है छुकी हुई मिर्च, और इधर है मैंने लस्सी बना दी है चाय। ये रखे हुए हैं छोले, अभी सिर्फ अमन का खाना डला है, तो इनका खाना जो है इनको पकड़ा देते हैं, और दिखाती हूँ अंदर ये लोग कर क्या रहे हैं। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ है। टीवी इतनी तेज क्यों कर रखा है, ये लो ये लो। और गाइस इधर चल रहा है आराम से अपने बढ़िया एकदम सुबह सुबह जो है लूडो, लूडो का गेम चल रहा है। क्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए ही नहीं होती, जो चीज बना के लाओ वो चाहिए ही नहीं होती, चाहिए ही नहीं होती। अयान कैसे चल रहा है गेम, अयान कैसे चल रहा है गेम, हैं हार गया? ओ क्यों हराया भाई इसको, सबसे पहले 4-5। अयान को एक्चुअल में भी काउंटिंग भी पूरी ढंग से नहीं आती ना, तो बेचारे कोई भी पागल बना देता है, हिंदी में नहीं आती ना। अरे दादी की टर्न है ना, अपनी क्यों ले रहा है। अयान की मौज आ गई, भाई होमवर्क कौन करेगा, तेरे पापा? अरे हाँ वही कह रही हूँ, अयान होमवर्क तो रोने की क्या बात है, रोते थोड़ी है, आधा तो तू इसी में सूख जाएगा। एक तो वैसे ही, अरे तो चल तो लेने दे, एक तो वैसे ही बेटा तू इतना कमजोर सा है, और तू ये और इसमें और रोने लग जा। अरे जीतने वाला है, दोनों घुस गई, वो क्यों है, दोनों मिलके इसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। 4-1 अब अगले तो दादी की कौन सी है, दादी की तो दिखी ना, अच्छा ब्लू है। सारी गोटियां तो यही चले जा रहे हैं, जीत गया और एक ही रह रही है। 10 मिनट लगाते हैं चलने में। देख सारी गोटी तो आप ही लाए जा रहे हो, किसकी पता भी नहीं लग रही किसकी कौन सी है। हाँ इसमें ऐसे गेम में कोई मजा आएगा, एक ही आदमी तीनों गोटी चले जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं घर से, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं मम्मी के घर पे, क्योंकि अयान की कह रही हूँ राहुल की ना काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है। पहले उसको डेंगू डायग्नोस हुआ था, फिर उसके बाद उसकी फिर काफ़ी दिनों तक तबीयत ख़राब चलती रही। हम लोग बीच में घूमने चले गए थे, तो उस चक्कर में मेरी बात ही नहीं हो पाई घर पे। अब मेरी परसों रात को राहुल का खुद का फ़ोन आया था, वीडियो कॉल आई थी अयान से बात करने के लिए, तब पता लगा कि राहुल की तबीयत अभी भी ख़राब है। तो हमें लगा कि एक बार जाके मिलना चाहिए। कल भी वैसे हमने प्लान बनाया था कि हम चले जाते हैं, लोकेशन को छोड़ के आ रहे थे जब, बट कल बीमार है और बर्थडे पार्टियों में जिम तक घूम रहा है। जिम ने तो नहीं गया था, खैर वो कह रहा है ऐसा कि मैंने नहीं खाया, पर मुझे लगता नहीं है कि वो बारबेक्यू गया और उसने कुछ खाया ना हो। तो अभी भी फ़ोन करके कह रहा है अयान से कि है ना तू मेरा बेरा लेने नहीं आया, मैं बीमार था। तो इसने कहा मामू मैं आऊँगा, अभी खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर में आएंगे हम। तो कहता है कि मेरे लिए ना
फ्रूट्स वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, बीमार आदमी से मिलने आते तो सब्वे लेके आना। मतलब कितना तगड़ा लॉजिक है कि सब्वे लेके आना। तो अब मैंने सोचा कि चलो वो कह रहा है तो ले लेंगे। तो अभी यहाँ से पहुँचते हैं पहले मार्केट। उसने बैलेंस किया, उसने बोला देखो खर्चा तुम करोगे, फ्रूट लेके आओगे बीमार आदमी से मिलने आते, फल फ्रूट बेकार की चीज है, ऐसी जगह करो जो मेरे को स्वाद आ जाए, स्वाद आ जाए। अब वो पता है क्या फीलिंग ले रहा है कि सब्वे तो है उसमें तो वेजीज वगैरह होती है, लेकिन उसमें मेयोनीज वगैरह भी होती है, होती है, कोई सॉस नहीं डलवाएंगे, खाली सब्जी मल्टी ब्रेड लेके और उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जियां डाल, मल्टी ग्रेन लेके सब्जियां, हमारे पैसे और वेस्ट जाएंगे, वो खाएगा भी नहीं, कुछ नहीं डलवाएंगे, वो खाएगा भी नहीं उसको। सही कह रहे हो, वैसे तगड़ा आइडिया, वो सोच रहा हूँ हेल्दी चीज मंगवा रहा हूँ मैं तो उसको हेल्दी ले जाके दे देते हैं, पर मुझे पता है वो खाएगा नहीं, फिर वो पैसे तो हमारे ही वेस्ट जाएंगे, तो इससे अच्छा एक बार ही ढंग की चीज ले लेते हैं। गाइज मैं आ गई थी सब्वे के बाहर, ये देखो सब्वे है, और मैं अंदर भी चली गई, अंदर जाके राहुल से पूछा फोन करके कि क्या लेना है, पता नहीं उसको कैसे पता लग गया, कह रहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, शर्मा शर्मी में आ गई नहीं कह रहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम आ जाओ घर ऐसे ही, मैंने ना मूंग दाल का चीला बनवा लिया था, तो मैंने कहा नहीं लाना, कह रहा नहीं, मैंने कहा ठीक है तो चलो अब आप इधर से मोड़ लो, कुछ मंगवा लिया मुझे लग रहा है, नहीं मूंग दाल का चीला कह रहा है ना, मैं कह रही हूँ अब आप ना इधर से ले लो, हट जा यार इधर से ले लो और वहाँ पे चलते हैं बेकरी में चलते हैं, मैं बच्चों के लिए डोनट या वैसे कुछ ले लेती हूँ परी और काबू के लिए। तो गाइस बच्चों के लिए ले लिया है बेकरी से सामान, ये जो है ये क्या बोलते हैं इनको, एक तो ये वॉलनट केक लिया है और इनको क्या बोलते हैं मफ़िन, हाँ मफ़िन लिए हैं, चॉकलेट है, चिप्स है, ये सारी चीज़ें ले ली है। हाँ भाई क्या बता रहा था तू, वो अभी पहुँच के बताऊंगा मैं। क्या चलती गाड़ी नहीं हो सकता? अच्छा हो उतरने के बाद होएगा। हाँ। तो सर आप बैठे कैसे हो पापा गोदी में, आपको पीछे बैठना चाहिए, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ड्राइव कर रहा है तो पहुंच गए हैं इस घर के पास ही, इसलिए ये सब ड्रामे चल रहे हैं इनके। हेलो मम्मी नमस्ते, क्या खा रही हो? अकेली अकेली देखो 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 देखो, अरे परी परी परी, हेलो परी का भैया आ गया, हेलो परा, अरे परी का भैया आ गया, अरे अरे कितनी खुश हो रही है आपको देख के, हेलो फुफू 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 भाई, अरे अरे किच्छी किच्छी कर ली है, अरे ये नहीं, अरे क्यों लड़ रहे हो आते ही भाई, तुम भी है ना, लो देना दे दो लो, परी इसमें का आया, क्या आया इसमें इतना छाला, इसमें इतना छाला का आया, का खाएगी परी, ये तो ये नहीं, ये वाली निकाल देते, ये देखो परी मम्मी ये वाला तो है ना मैं आपके लिए लाई हूँ, एक बार अमन लाए थे ना आपको अच्छा लगा था, ये वो है बादाम उसका अखरोट का केक है, एक बार लाए थे आपको याद हो अगर, आप ही बोलती ये बहुत ज़्यादा स्वाद है, खा के देख लेना। हाँ बेटा, और परी के लिए का आया है, परी के लिए ये आया है, वाह ये क्या है, एक काबू के लिए, एक परी के लिए, और चॉकलेट निकालेगी वो, देख उसको चॉकलेट दिख गई ना, चॉकलेट निकालेगी हैं, अभी तोड़ना नहीं, पर इसको तोड़ना नहीं है इसको, मम्मी मेल्ट हो रही है फ्रिज में रख दो, ये गिराएगी सारा, जो खाएगी वो खा लें दो। तो गाइस काबूड़ी भी उठ के आ गई है, लड्डू उठ के आ गई है, काबू चले, काबू चले, मैं छत चलेगा काबू में छत चल, भाई इसको गोदी में बैठने का तो बिल्कुल भी वो नहीं रहा, दिख 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 दिख, और रूसता कैसे है ये, कैसे रूसती है ये कैसे रूसती है भाई, काबू ओए काबू ओए काबूड़ी ओए काबूड़ी, भूल गई बुई को, ए ए भागता है सीधा ही उठ के, सीधा ही उठ के भागता है, परी चले परी चले, बाहर चलो बाहर चलो धूप में चलो बाहर। तो गाइज अभी मैं और पापा जा रहे हैं स्कूटी पे होम स्वीट्स तक, अभी एक्चुअल में सबका प्लान बन गया समोसे और दही बल्ले और राज कचौरी वगैरह खाने का, तो हम दोनों आ गए वो खरीदने के लिए होम स्वीट्स में, और देखते हैं और सब क्या क्या खाएंगे, फ़ोन करके पूछेंगे उस हिसाब से खरीद के ले जाएंगे। तो गाइज ऑर्डर कर दिया है सारा सामान सबके लिए, पैक हो रहा है इधर,
हमारा ये बिल रहा मेरे पास, जो देना था वो दे चुकी हूँ मैं इनको, और ये लोग अब कर रहे हैं हमारा सारा सामान पैक। दिखाती हूँ घर जाके क्या क्या लिया है किस किस के लिए। तो गाइज इसमें आई है इमरती, इसमें आया है बर्गर, और ये मेरा लड्डू कूलो ला, क्या हो गया क्या हो गया, दे दूँ क्या दे दूँ। और ये है भाई राज कचौरी, ये है भल्ला पापड़ी, ये है छोले, ये है सैलड, ये है समोसे। तो ये सारा माल आया है आप लोगों के लिए। भाई ये सही है, बिना डाइटिंग के खूब खा के भी एकदम पतली है, हम डाइटिंग कर करके भी पतले नहीं हो पा रहे। क्या राज है आपकी सेहत का, पता ही नहीं चल रहा। खूब झुक, और क्यों हो गया, तो क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, सारा खाएगा। और परी क्या खाएगी, परी नो मारना नहीं है, क्या खाएगी, क्या खाएगी परी, क्या खाएगी काबू, बाय बाय बाय। देख रो रहा है, रो रहा है आपको देख के, रो रहा है, सॉरी सॉरी आपको देख के रो रहा है, हाँ कि मेरे को ले लो, देख देख, हाँ जानने लग गया ना, इसको पता है बाहर जाना है। काबू गर्मी है बाहर तो बहुत, काबू बाय 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 बाय। फिर रोने लगे, हाँ बाय बाय। अरे 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 बाय बाय चलो मम्मा के पास चलो, बाय बाय करो, कहाँ जाना है, कहो कहाँ भाई, कहाँ चल रही है, वापस आओ अंदर, अंदर आओ, सुन रहे उंगली करके कह रहा है इधर चलो बाहर, कहाँ जाना है काबू, कहाँ चले, चलो इधर चलते हैं। चलो ये क्या हो गया पैर पे, क्या चिपकाते ला रहे हो यहाँ से, और क्या क्या चिपका लिया, अरे ढंग से उतार दो, घर में चिपकेगी फिर है, चप्पल नीचे दिखाना, गंदी कर ली गति, क्या चिपकाया ये, ये हाँ यहाँ जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी, हम इसलिए उधर खड़ी करके आए। चलो बाय 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 परी, बाय बाय, हो रही है परी, क्या हो गया, चलो आ जाओ, चलो आओ आओ, चलो चलो आओ, चलो तो चलो नीचे उतर, क्रॉक्स पहन के, अरे क्रॉक्स को पहन क्या, हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, चुप 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 चुप। फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं घर से, और परी ने आज इतना प्यार दिखाया मुझे कि मुझे इमोशनल कर दिया कतई परी ने अपने, उसके बाद भी आप लोगों ने देखा ना अभी इसने क्या किया, उसके बाद भी ना राहुल इसको क्रॉक्स पहना रहा है, तो राहुल की लात मार रही है कि मुझे छोड़ दे, मुझे बुआ के साथ ही जाना है, कैसे छींक रही है अभी तो आई है, उनको गार्डन बैठी है, चिची आ रही है, चिची आ रही है, और कहा जितनी बुरतरा रोने लगी चिल्लाने लगी, और मेरे को कह रही कि मुझे ले चल जल्दी बिठा ले गाड़ी में, ये वापस में उससे पहले, कोई नहीं बेटा खेल ले दो यार, ऐसे मत किया करो, बहन ही तो है आपकी, कब खराब करती है, फिर मैं उसको मत बोलूंगा, नहीं नहीं बोलूंगी, आप दे दो उसको, आप ऐसे मत किया करो, शेयर करते हैं बेटा, आपकी छोटी बहन है, पापा नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं घर पे, ये कह रहे हैं मैं तो जाते ही अपना रूम बंद करके सो जाऊंगा, क्या कह रही परी, बैठो यही, बैठो यही, बैठो यही, आपको कह रही है बैठ, यार ये देखो पापा, ये देखो राहुल भाई, ये ऐसा लड़का है, ये ईयरपॉड राहुल ने हमारे से मेरे से ले लिए थे, तो मैंने कहा ठीक भाई, ये जितनी बार जाता है ना, मामू हमारे एयरपॉड दे दो, मामू हमारे एयरपॉड दे दो, आज आखिरकार ले ही आया वापस कि हमारे एयरपॉड, तू रहन दे, तू रहन दे, मैंने देखा है तू उसके ऐसे चेप होता है, जाते ही कहना शुरू करता है, क्या कर रहे हैं, हाँ मार दे, और हंस रहा है फिर भी, कुछ लोग पता नहीं कैसी ड्राइविंग करते हैं, समझ ही नहीं आती, उल्टी साइड से ला रहा, रेड लाइट हो रखी है, और फिर हंस रहा है, देख हंस कर स्माइल दे रहा है। ये देखो भाई कितने शरीफ बच्चे हैं, दोनों ड्राइंग कर रहे हैं बैठ के, दोनों बहन भाई कितने प्यार से, परी करो कलर करो, हाँ करो, वेरी गुड, हाँ पुरानी हिंदी की बुक में करे, कोई बात नहीं, आपकी छोटी बहन है वो तो पुरानी क्लास की बुक है, कर ले, हाँ कलर करो, परी कौन आ गया, परी कौन आया, परी
पापा आ गए, कहाँ है पापा? बाहर है, आ जाओ, चलो चलो आओ, पापा बाहर है तो आ जाओ पापा। भाई गाइस, परी जा रही है अपने घर, राहुल आ गया लेने और वहीं से करती आ रही। पापा आ गई, पापा आ गई, किचके पापा आ गई, किचके पापा आ गई है, वापस नहीं जाना। बस स्कूल कौन जाएगा? परी छुबे स्कूल जाना है ना परी को। चल बाय कर बुआ, बाय बाय बोल जल्दी परी, बाय 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 बाय। अरे मैं लड्डू देख देख, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग उसको पानी पीना है, जल पिलाया था मैंने, पानी पीना है, चलो चलो बाय 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 बाय। तो गाइस परी भी चली गई है अपने घर, राहुल आया था लेने, वो ले गया उसको। और मैं ऊपर कर रही थी अपना किचन का काम खत्म, क्योंकि कल है अमावस और सुबह मेरे को जल्दी उठना है और अमावस निकालनी है। हमारे में अमावस निकालते हैं, पितरों के लिए निकलती है हिंदुओं में, मतलब हमारे में तो निकलती है, बाकी मुझे पता नहीं किस किस की उसमें निकलती है। तो मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ करके, पूरी स्लैब साफ करके और सारा काम करके किचन में पोछा ओछा मार के और उसके बाद सोऊंगी, ताकि सुबह उठूं तो एक बार बस ऐसी ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से मतलब फ्लोर फ्लोर पे नीचे पोछा मारूं, और उसके बाद मैं फटाफट से खीर और जो भी रोटी पूरी जो भी बनेगा वो बना दूं, ताकि सुबह अमावस जल्दी निकल जाए। एक बार ही दिखा देती हूँ अमन और अयान क्या कर रहे हैं। ये देखो गाइस, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कैसी ये कैसी पढ़ाई है, दोनों बाप बेटे पसरे पड़े हो हैं। यार अयान तेरी मम्मा से पूछ लेगा, तेरी मम्मा बता दे इसका जवाब। किसका जवाब? क्या ये क्या है? फूड आइटम्स दैट आर ईटन आफ्टर कुकिंग आर दिस एंड दिस, बता क्या है। ईटन आफ्टर कुकिंग, हां मतलब पढ़ना। फूड आइटम्स दैट आर ईटन आफ्टर कुकिंग आर, कुकिंग के बाद तो सब कुछ कुकिंग के बाद ही खाया जाता है। क्या लिखोगे बताओ ना। रोटी और सब्जी है? रोटी सब्जी, तो रोटी और सब्जी हां इंग्लिश वाले इसमें लिखेंगे, मतलब क्या लिखेगी यहाँ? राइस लिख दो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता रही हूँ, राइस लिख दो जो कुकिंग के बाद खाया जाता है, और वेजिटेबल्स लिख दो। अच्छा, पक्का? हाँ। गलत हुआ तो? गलत हुआ तो गलत हुआ, मुझे नहीं पता गलत हुआ तो हुआ, इतना क्यों रहे हो बता दो। ये जो शाहरुख खान का शो आता था ना, फिफ्थ क्लास तक के बच्चों वाला, अरे आप बता दो, अब बोलो। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो बंद करके बताऊंगा। पता ही नहीं है तो फिर मेरे पे क्यों वो कर रहे हो? पिछले चैप्टर देखने पड़ेंगे। आयान खुश हो गया कि मेरे माँ बाप दोनों किसी को नहीं पता। पता है? नहीं। क्यों खुश हो रहा है? तुझे पता होता तो। चलो भाई मैं अपना काम कर लेती हूँ।